सपनों का दिव्य लोक एस्ट्रो ड्रीम्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय माता दी, जय गुरुदेव। प्रिय दर्शकों, प्रत्येक माता पिता का सपना होता है कि वे जिस बच्चे के लिए इतने प्रयत्न कर रहे हैं वह बच्चा भी उनका नाम रोशन करे, अच्छी पढ़ाई लिखाई करे, इस कॉम्पिटिशन की दुनिया में एक मुकाम हासिल करे। कभी कभी देखने में आया है कि बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, चाहे वह कॉलेज गोइंग हो या यूनिवर्सिटी के हों या स्कूल के छोटे बच्चे हों, लेकिन उनका भाग्य साथ नहीं देता है। मेहनत करने के बाद भी कंपार्टमेंट आ जाती है, या फिर कुछ बच्चों का मन ही पढ़ाई में नहीं लगता, चाहे वह कितना भी फोकस करना चाहे पर पढ़ाई में फोकस नहीं कर पाते। कभी कभी क्रूर ग्रहों की दशा या महादशा ऐसी चली होती है जिसके कारण बच्चे के किए हुए प्रयासों में उसे सफलता प्राप्त नहीं होती। तो इस समस्या का हल ज्योतिष में है। देखिए, मेहनत सभी को करनी पड़ती है, ऐसी कोई पढ़ाई नहीं है, चाहे ज्योतिष की पढ़ाई हो, चाहे आपकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की पढ़ाई हो, चाहे फिर आर्ट्स की पढ़ाई हो, कोई भी पढ़ाई छोटी या बड़ी नहीं है, हर एक में मेहनत करना ज़रूरी है। लेकिन मेहनत करने के बाद भी यदि सफलता ना मिले, उस समय हम विकल्प की तलाश करते हैं। उस समय हमें लगता है कि हमें किसी काउंसलर की ज़रूरत है या किसी ज्योतिषी के पास जाना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। कई लोगों की पीएचडी ही कंप्लीट नहीं हो पाती, वे बड़े परेशान होते हैं, एड़ी चोटी का जोर लगाते हैं, थीसिस रिजेक्ट हो जाते हैं, बहुत सारी समस्याएं आती हैं। तो ऐसा क्यों होता है और इसका समाधान क्या है? अब क्यों होता है ये तो पता चल गया कि ग्रहों की दशा या महादशा अच्छी नहीं है, या जो पंचमेश है वह आपको शुभ फल प्रदान नहीं कर रहा है किसी भी कारण से, चाहे पंचमेश कमज़ोर है, चाहे वह 6, 8, 12 में कहीं बैठा है, या क्रूर या पापी ग्रहों के संपर्क में है, दृष्टि में है, युति में है, तो इस कारण से भी ऐसा होता है। उस स्थिति में ज्योतिष में आप यदि यह जान जाएं कि लगन के पंचम भाव में कौन सी राशि लिखी है, तो उसके अनुसार यदि आप बताए गए यंत्र को, जो अभी मैं बताने जा रही हूँ, उसे बनाएं और उसे पहनें, तो या पहनाएं अपने बच्चे को, चाहे वो किसी भी उम्र का हो, तो अत्यंत लाभकारी होता है। तो आइए जानते हैं कि किस लग्न के लिए कौन सा यंत्र धारण करना चाहिए। सबसे पहला लग्न है मेष लग्न। मेष लग्न के पंचमेश भगवान सूर्यदेव हैं, उनका यंत्र सामने आप देख पा रहे होंगे, राइट हैंड साइड। अगला लग्न है वृषभ लग्न। वृषभ लग्न के पंचमेश भगवान हैं बुध देव हैं, तो बुध देव का यंत्र धारण करना चाहिए। मिथुन लग्न। मिथुन लग्न के पंचमेश भगवान शुक्रदेव हैं, तो शुक्रदेव का यंत्र धारण करना चाहिए। चतुर्थ लग्न है आपका कर्क लग्न। कर्क लग्न के मंगल देव हैं, मंगल देव का यंत्र धारण कीजिए। सिंह लग्न के भगवान बृहस्पति देव हैं, बृहस्पति देव का यंत्र धारण करना शुभ रहता है। छठा लग्न है कन्या। कन्या के भगवान शनि देव और तुला के भी भगवान शनि देव हैं, तो शनि देव का यंत्र धारण कीजिए। अष्टम लग्न है वृश्चिक लग्न। वृश्चिक लग्न के बृहस्पति देव हैं, बृहस्पति देव का यंत्र धारण करें। धनु के भगवान मंगल देव हैं, तो उन्हें मंगल देव का यंत्र धारण करना चाहिए। मकर लग्न के शुक्रदेव हैं, शुक्रदेव का यंत्र धारण कीजिए। और लग्न के भगवान बुध देव हैं, बुध देव का यंत्र धारण कीजिए। और मीन लग्न के हैं चंद्रदेव, तो इन्हें चंद्रदेव का यंत्र धारण करना चाहिए। यंत्र बनाने की सामग्री एवं विधि, जिस भी संबंधित ग्रह का आप यंत्र बनाना चाहते हैं उसके लिए भोजपत्र, अष्टगंध। अष्टगंध नहीं है तो आपको केसर की स्याही बना लीजिए, या फिर आप गेंदे के फूलों के रस का प्रयोग कर सकते हैं। कलम में अनार की कलम नहीं है तो मोरपंख की कलम बनाइए। विशेष ध्यान रखें, एक शुभ दिन में ही यंत्र बनते हैं। किसी भी शुभ मुहूर्त, शुभ दिन में आप यंत्र का निर्माण करना चाहते हैं तो सबसे पहले शुद्ध भाव से ब्रह्मचर्य में रहते हुए शुद्ध वस्त्रों को नहा धोकर पहन करके सुबह के वक्त या शुभ मुहूर्त में आप भोज पत्र पे गंगा जल छिड़क कर पहले उसे हल्का सा साफ कीजिए और उस पर ये 9 खानों का ग्रह का यंत्र बनाइए। अंक लिखने के बाद आप उस यंत्र को चावल की ढेरी पर सुसज्जित कर दीजिए और उसी के समक्ष आप इन मंत्रों का जाप कीजिए। जितनी जप संख्या लिखी गई है उतनी जप संख्या करना आवश्यक होती है यदि आप एक इफेक्टिव यंत्र चाहते हैं। पूरे दिन आप जप ना कर सके तो आप संकल्प लेकर के एक अनुष्ठान कर सकते हैं 9 या 11 दिन का, और उसके पश्चात आप हवन करके और फिर इस यंत्र को उस दिन में धारण करें जो उस ग्रह से संबंधित दिन है।
मान लीजिए सूर्य का यंत्र है तो सूर्य के यंत्र को रविवार को धारण कीजिए। अनुष्ठान हवन के बाद जिस दिन भी आपने यंत्र को धारण करना है लॉकेट या ताबीज के रूप में, तो आप सोने चांदी के लॉकेट में धारण कर सकते हैं। यदि सोना चांदी नहीं है तो ग्रहों से संबंधित रंग के कपड़े में आप इसे धारण कर सकते हैं। सूर्यदेव के यंत्र को आप नारंगी रंग में, मंगलदेव के यंत्र को भी लाल रंग में, बुधदेव के हरे, बृहस्पति देव के पीले, शुक्र देव को आप सफेद और शनि देव का आप काला, चंद्रदेव के यंत्र को आप सफेद कपड़े में धारण कर सकते हैं। जितनी पवित्रता शुद्ध भक्ति भाव से आपने यह यंत्र बनाया होगा उतना ही ज्यादा लाभ आपके बच्चे को या आपको इससे प्राप्त हो। तो यदि आपके घर में भी कोई ऐसी समस्या है, बच्चों से संबंधित बच्चे फेल होते हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तो आप इस यंत्र को धारण करवा सकते हैं। धन्यवाद।